विश्व में नेशनल सिक्योरिटी का जितना महत्व है, वैसा ही महत्व एनवायरमेंट सिक्योरिटी को दिए जाने लगा है। भारत आज एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की एक मुखर आवाज है। आज बायोडायवर्सिटी हो या लैंड न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट चेंज हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या गोबरधन से बायोगैस हो, और एनर्जी कंजर्वेशन हो या क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, पर्यावरण की दिशा में भारत के प्रयास आज परिणाम दे रहे हैं। भारत ने वन क्षेत्र को या फिर नए नेशनल पार्क की संख्या, बाघों की संख्या और एशियाटिक लायन सभी में वृद्धि हर देशवासी के लिए खुशी की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इन सफलताओं के बीच एक और सच को भी हमें समझना होगा। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी है, देश भर में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो, भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इस पर भी बल दे रहा है। हमारी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज जी ट्वेंटी के जो देशों का समूह है, उसमें भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक 450 गीगावाट, इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है।
वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति, उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं।